रहती है कि वजन कम करना है, वजन कम करना है। वजन नहीं कम करना होता, अपने फैट को कम करना होता है। और बहुत सारे लोगों का बीच में वजन रुक भी जाता है और उनके मसल बढ़ रहे होते हैं, मसल बढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वाला वजन बढ़ रहा है, रुई वाला कम हो रहा है, तो लोगों को लगता है कि मेरा वजन नहीं कम हो रहा। ठीक है, तो इसको मैंने पूरा क्लियर करूंगा टॉपिक पूरा, वो बाद में करेंगे, पहले अपने BMI पे चलते हैं ना। ओके, तो BMI अपना कितना चाहिए बॉडी के अंदर, अगर आपका 16 से लेके 19 तक आ रहा है, आप चेक करना अपना। ये चेक करने की प्रक्रिया भी बताऊंगा, कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं, लास्ट में आपको ये फॉर्मूला बता दूंगा कि घर के अंदर ही आप अपने इसको चेक कर सकते हैं कि कितना मेरा BMI है। ठीक है, आप अपने वेट के अकॉर्डिंग, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग और अपनी एज के अकॉर्डिंग ये निकाल सकते हैं अपना BMI कैलकुलेट करके। ठीक है, कितना मेरा BMI आ रहा है, तो हमेशा कैलकुलेट ही किया जाता है BMI, ऐसे नहीं कि तोल के निकालोगे या मिन के निकालोगे, कैलकुलेट किया जाता है कि मेरा BMI कितना है। ठीक है, तो अगर आपका BMI 16 से 19 तक आ रहा है तो आप अंडर वेट हो, आपका वेट कम है, आपके हाइट के और एज के अकॉर्डिंग आपका वेट कम है आपकी बॉडी के अंदर, अंडर वेट हो। ठीक है, जो पर्सन अंडर वेट होता है उसको भी प्रॉब्लम आती है बॉडी के अंदर, ये नहीं कि अपने जिसका वेट बढ़ चुका है, फैट बढ़ चुका है बॉडी के अंदर उसको ही प्रॉब्लम आती है, नहीं, जो बंदा अंडर वेट है ना उसको भी प्रॉब्लम आती है। क्या क्या प्रॉब्लम आती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, वीकनेस रहती है बॉडी के अंदर, एनर्जी नहीं रहती बॉडी के अंदर। ठीक है, थकावट रहती है सारा सारा दिन। ठीक है, एनर्जी नहीं होती बॉडी के अंदर, ऑर्गन स्ट्रांग नहीं होते। ठीक है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और इम्यूनिटी वीक हो जाती है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है जो बंदा अंडर वेट होता है। ठीक है, फोटो आ चुकी है इधर, आप चेक कर सकते हैं आपका अगर BMI, ये देख सकते हैं ना। संदीप जी सही से दिख रहा है इधर, फोटो दिख रही है? ओके, हाँ जी सर, हाँ जी। अगर आपका 18 से कम आ रहा है तो ये देखो लेफ्ट साइड दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का पूरा फ्लैट बंदा दिख रहा है, अंडरवेट लिखा हुआ है उसके ऊपर। ये फोटो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, तो अंडरवेट लिखा हुआ है इसके अंदर। अगर आपका 18 से कम आ रहा है तो आप अंडरवेट हो, इस तरीके के दिखोगे। अगर आपका 18, 18.5 से 23 तक आ रहा है तो हेल्दी रेंज के अंदर दिखोगे, ये देख सकते हैं दूसरे नंबर वाली फोटो। और तीसरे नंबर वाली फोटो देखो, अगर 23 से आपका 27, 27.5 तक आ रहा है तो मतलब आप ओवरवेट हो, तो इस तरीके की थोड़ी शेप बन चुकी है बॉडी की। और नेक्स्ट चलते हैं अपने आगे, 27 से ऊपर आता है जितने भी लोगों का, तो ये रेड कलर वाला ऑरेंज सा दिख रहा है ना, ये बंदा आप बन चुके हो, ऐसे ऐसे दिखते हो आप लोग। ठीक है, तो अभी देखो आपने कौन सी शेप में आना है, तो जितना जल्दी हो सकता है अपना BMI कम करें। और जितने भी लोगों की बॉडी के अंदर विटामिन डी कैल्शियम की कमी आ चुकी है, अब सभी लोग अपना BMI जरूर कम करें, चेक करें, है ना। 22.8 या 9 ही रहता है ते मेंटेन मैं अपने आइडियल वेट ते आते मेनू भी ओदो BP बहुत मेरा घट रहता सी, कहते कैल्शियम ते विटामिन डी थ्री दी हमेशा ही घट रही सी, मेडिसिन चलती रही सी, ते हुण नसेचा सारे सब कुछ तुहाडी एजुकेशन ते मॉर्निंग क्लब दी वजह नाल ही होया। 37, ओके, वेरी गुड। तो अभी कितना आपको? उसके बाद 17 तारीख को कराया था, 34 आया है, BMI 32.9 जी। अभी कितना, अभी अभी लास्ट? अभी नहीं कराया, अभी आज कराऊंगा दोबारा, आज करवा के बताना। ठीक है, सर मैंने स्टार्ट किया था तो फोन पे चेक किया था तो 26 से 27 था और सर अब 23 रहता है नॉर्मल, पहले 26 से 27 तक था। हाँ जी सर, तो उस टाइम क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपकी बॉडी के अंदर जब BMI ज्यादा था आपको? सर मुझे काफी हेल्थ इश्यू थे कि मुझे ना माइग्रेन की ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती, जैसे कुछ भी खाना तो सीधा गैस बन जाना, तो सर में दर्द, वोमिटिंग होना, सर ये चीज काफी होती थी मेरे साथ। डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती थी? यस सर जी। सर टैबलेट लेती थी, दो भी ले लेती थी एक साथ, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, लास्ट में इंजेक्शन ही लगवाना पड़ता था पेन किलर का। अभी सर काफी दिन हो गए अब हॉस्पिटल नहीं गई, याद भी नहीं कब गई थी तब। और सर आपने अभी टॉपिक बताए थे कल परसों, एक तो सर महंगे सस्ते पे, एक जॉइंट स्पॉट पे, और एक सर BMI जो आज करवा, ये आप अपने ऊपर के वर्ल्ड टीम को सेंड कर देना, वो मेरे पास भेज देंगे। ठीक है, है ना, चलो कोई दिक्कत, वेरी गुड। और सभी लोग भाई ध्यान से सुना करो, इधर देखो मैम ने कितने ध्यान से सुना और लिखे भी है टॉपिक कौन कौन से आगे करना है ना। चलो वेरी गुड मैम, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको।
सर जब मैंने पहली बार चेकअप कराया था तो डेट थी 14/5/2023। मैंने शेयर किया तो मैंने 6 मंथ ही बोल दी थी सर, 8 मंथ हो चुके हैं मेरे को। ओके, 8 मंथ हो और चुके हैं। तो अभी कितना आ रहा है बीएमआई, और अभी आप फिट हो चुके हो प्रॉपर? चौबीस अभी तो सर फिट नहीं हुई हूँ, अभी तो 24 आ रहा है बीएमआई। आ रहा है। हाँ चलो, जी, एक कम करना है और कम कर लो आप, है ना? 28/1 को किया था सर चेकअप, 28/1/2024 को। ठीक है, क्या और पहले मेरा बीएमआई था सर 28.5। प्रॉब्लम आती थी बॉडी के अंदर आपको? सर मेरे को बॉडी में प्रॉब्लम, जैसे कि डॉक्टर से चेकअप कराया था तो उसने बोला भी आप जैसे कि चेकअप करवा लो, शायद आपको विटामिन डी की कमी है। तो हड्डियों में हर समय दर्द रहता था, सारा शरीर में दर्द रहता था, उठ के जैसे कि काम नहीं कर पाती थी मैं। जी चलो, अभी सारा काम कर लेते हो आप? हाँ जी, 5-6 हजार का मेरा टेस्ट हुआ था, कुछ कैल्शियम वगैरह के और सर विटामिन डी के। हाँ जी सर, तो उस टेस्ट में तो लोग कहते हैं ना न्यूट्रिशन महंगा है, तो उसी टेस्ट की फीस में न्यूट्रिशन आ जाता है हमारा सर। चलो, हाँ और सही है, उतने टेस्ट में तो न्यूट्रिशन आया था ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना महंगा है प्रोडक्ट, ऐसा कुछ है, जितने के आपके टेस्ट होते हैं ना उतना 1 महीने का न्यूट्रिशन आया था इधर। सही है, हाँ सर, और ठीक उस सर मेरी फैट थी 40.2। है। चलो बस अभी इतना ही बता दो, आपका बीएमआई कम हो चुका है, रिजल्ट बढ़िया है। कितना वजन कम किया आपने? सर मेरा वजन चला गया है सर, वैसे तो आइडियल वेट दे रखा है राजविंदर सर ने मेरे को भी 68 किलो, तो मैं 68 पे हूँ सर आइडियल वेट हाँ, पे। तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, जितना वजन चाहिए आपको उसके हाइट के अकॉर्डिंग आपने रखना अपना वेट, ठीक है? 80 किलो था सर, चलो, अभी आपका कितना हो चुका है अभी? 68 किलो सर। बढ़िया, आपका रिजल्ट तो बहुत बढ़िया है, 14-15 किलो आपने कम कर लिया, बहुत हाँ बढ़िया जी, सर। हो फैट थोड़ा ज्यादा है सर, इसे कम करना है। हाँ जाएगा कम मैम, कोई दिक्कत नहीं है, फैटी चीजें कम खाएं, न्यूट्रिशन ज्यादा लें, प्रोटीन ज्यादा जाना चाहिए बॉडी के अंदर, और इसके ऊपर जी अपने बात करेंगे, मसल वसल फैट, है ना, इसके ऊपर टॉपिक करेंगे।